सोचो अगर जिस चांद को आप रोज देखते हो उसकी जगह पर अचानक जुपिटर आ जाए तो वो धरती से कैसा दिखेगा, या फिर अगर सैटर्न आ जाए तो वो कैसा दिखेगा। वैसे तो ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, पर अगर हम इसे एक वीडियो के थ्रू समझें तो हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसे दिखाई देते। तो सबसे पहले है मर्क्यूरी जो लगभग मून की तरह ही लग रहा है, भाई इससे अच्छा तो हमारा मून ही था। इसके बाद है वीनस जो काफी ब्राइट दिख रहा है और मून से तो काफी बड़ा लग रहा है। इसके बाद है मार्स जो कुछ ऐसा दिख रहा है जो काफी ठीक ठाक लग रहा है। अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब आ रहा है जुपिटर जो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता अगर वो मून की जगह पर रहता तो। ऑनेस्टली अगर जुपिटर सच में इतना नजदीक आ जाए तो हमारी धरती उसका चक्कर लगाएगी, ना कि वो हमारी धरती का। बाय द वे इसके बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून जो आसमान में इतने बड़े दिखाई देते हैं। तो भाई अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब आ रहा है सैटर्न। और अगर ये सच में मून की जगह पर रहता ना तो भाई लिटरली कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। और ये मत भूलो कि सैटर्न के 82 मून्स हैं और अगर अर्थ के सामने सैटर्न आ जाता है तो उसके 83 मून्स हो जाएंगे क्योंकि तब हमारी धरती सैटर्न का चक्कर लगा रही होगी।